हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग एंड हेल्थ केयर आइडियाज़ पर। आज हम लोग अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं मसाला पापड़, जो कि हम लोग रेस्टोरेंट होटल वगैरह में स्टार्टर में लेते हैं। वही पापड़ आज हम लोग अपनी किचन में बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही टेस्टी मसाला पापड़ बनाकर रेडी करेंगे। इसके लिए हमने दो मूंग के पापड़ लिए हैं, मूंग दाल पापड़ हैं। यदि आप चाहें तो उड़द दाल पापड़ ले सकते हैं। हमने यहाँ पर दो पापड़ लिए हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें मसाला पापड़ रेडी करने के लिए हम लोग क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। तो हमने कुछ चीज़ें ली हैं रेडी करने के लिए, तो वो देख लेते हैं। थोड़ा सा हमने खीरे को कट किया है, लेकिन इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि खीरा जब हम कट करके लेंगे तो जो बीच का पार्ट होता है, पानी जहाँ सीड्स होते हैं, वो पार्ट हमें निकाल देना है। और इसके साथ थोड़ी सी हमने ली है गाजर का पीस, इसको हमने कद्दूकस करके लंबा लंबा ले लिया है। थोड़ा धनिया पत्ती ली है, थोड़ा नमकीन लिया है, आप आलू भुजिया भी ले सकते हैं। दो हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, एक नींबू को कट कर लिया है, एक छोटा टमाटर छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। टमाटर में भी जो बीच का पोर्शन रहता है वो हमने निकाल दिया है, और जो साइड का खोल रहता है उसको कट किया है। थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा कट कर लिया है, एक छोटी सी अनियन को कट कर लिया है। इसके साथ ही हम लोग थोड़ा जलजीरा पाउडर लेंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर लेंगे, और थोड़ा सा लेंगे हम लोग काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा लेंगे हम लोग सॉल्ट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पापड़ सेकने के लिए हम लोग एक तवे को चढ़ाएंगे। हम लोगों को पापड़ डायरेक्ट गैस पर भूनना नहीं है, हम लोग पापड़ को सीधा रखेंगे भूनते समय, इसलिए हम लोग इसको तवे पर भूनेंगे। तवे पर भूनेंगे, एक किचन टॉवल ले लेंगे और इसको प्रेस करके, कपड़े से प्रेस करके हम लोगों को पापड़ को भूनना है, ताकि पापड़ बिल्कुल सीधा हो भुने और ये कहीं से भी मुड़े ना, और इसके साथ ही इस पर स्पॉट भी ना आए, ताकि हम लोगों का पापड़ देखने में भी बहुत अच्छा लगे। तो देखिए हमारा पापड़ भुनना स्टार्ट हो गया है। गैस पर हम लोग जब पापड़ को भूनते हैं तो ये मुड़ने लगता है, और हम लोगों को पापड़ को मुड़ना नहीं है। तो इसी तरह लीजिए, पापड़ दोनों तरफ से भुनकर रेडी हो गया है, और देखिए इस पर स्पॉट भी नहीं आए हैं। इसी तरह से हम लोग दूसरा पापड़ भी भून लेंगे। लीजिए पापड़ भून कर हमने रेडी कर लिया है। अब हम लोग जो ब्रश यूज़ करते हैं किचन में, उस ब्रश की हेल्प से हल्का सा हम लोग बटर या फिर घी लगा देंगे, देसी घी। हम लोग देसी घी या बटर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि पापड़ के अंदर जो नमी है वो ना आए, क्योंकि जब हम लोग सब्जियां इस पर डालेंगे तो ये तुरंत नम हो जाएगा। तो पापड़ क्रिस्प रहे, इसलिए इसमें थोड़ा सा बटर या घी का यूज़ हम लोग कर रहे हैं। लगा दिया, बिल्कुल हल्का सा लगाना है। रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखा होगा कि पापड़ फ्राई भी होता है, लेकिन हम लोग ऑयल ना इसमें भरे और ये हेल्दी भी रहे, इसलिए हम लोग इसमें इसको फ्राई नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने रोस्ट किया है। अब हम लोग इस पर जो सॉल्ट आता है सिंपल, वो हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि पापड़ स्वयं नमकीन होता है, इसलिए हम लोग हल्का सा डालेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। अब हम लोग जो हमने सब्जियां ली हैं वो हम एक एक करके इस पर डालना स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग थोड़ी सी डालेंगे इसमें प्याज, थोड़ा सा इसमें पनीर डाल देंगे, बहुत ही टेस्टी पापड़ बनकर ये रेडी हो जाएगा। इसके साथ हम लोगों ने जो टमाटो कट करके रखे हैं वो भी हम लोग इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, और इसके साथ थोड़ा सा खीरा। ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो डालिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं खीरा और गाजर को। थोड़ी सी हरी मिर्च स्वाद अनुसार डालनी है, ये तो आप तीखा कम तीखा जैसा भी पसंद करते हैं। इसके साथ हम लोग थोड़ी सी गाजर जो हमने कद्दूकस करके रखी है
वो डाल देंगे। इससे क्या है कि ये कलरफुल बहुत अच्छा हो जाता है, इसलिए हम सारी चीज़ें इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा साइड्स में खिसका देंगे ताकि ये अब हम लोग डालेंगे इसमें जो हमने नमकीन रखा है, जो भी नमकीन आपके घर में अवेलेबल हो वो आप डाल दीजिए। हमने यहाँ पर गार्लिक नमकीन का यूज़ किया है। अब हम लोग डालेंगे इसमें धनिया पत्ती। धनिया पत्ती से मसाला पापड़ का टेस्ट और भी अधिक अच्छा हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर धनिया पत्ती से और इसकी गार्निशिंग कर दी है बढ़िया तरीके से। अब हम लोग डालेंगे इसमें जलजीरा पाउडर, इससे पापड़ का टेस्ट और भी अधिक बढ़ जाएगा। अच्छे से डालना है। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर जो कि तीखी नहीं है। तो मसाला पापड़ हम लोगों का बनकर रेडी हो रहा है। अब हम लोगों ने जो नींबू कट करके रखा है उसके सीड हटाएंगे और सीड हटाकर थोड़ा सा जूस, लेमन जूस इस पर हम लोग डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा जूस हम लोग डालेंगे। लीजिए टेस्टी टेस्टी मसाला पापड़ बनकर रेडी हो गया है। टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है, ट्राई जरूर करिए। यदि आपको आज के मसाला पापड़ की रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।